अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इनटू योर माइंड दैट नाउ वी हैव टू यूज द कंप्लीटिंग स्केल मेथड. अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड. कंप्लीटिंग स्केल मेथड जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड होता है एज़ कम्पेयर टू फैक्टराइजेशन, बट लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. जिन बच्चों को समझ आ जाती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल हो जाता है. ये हमारे पास पार्ट टू है. पार्ट वन में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया था. अब हम लोगों को कंप्लीटिंग स्केल मेथड से करना है. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स स्केयर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो ओके, द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो आर, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन अगर देखें तो आपको क्या करना है कि जो ये नंबर है, ये जो कॉफिशेंट है विदाउट x, इसको आप सेकेंड साइड पे ले जाएं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 को सेकेंड साइड पे ले जाएंगे. तो 3 आ गया इस साइड पे. अब आपने क्या करना है कि जो x का कॉफिशेंट है, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 10. अब आपने क्या करना है, इस 10 का हाफ लेना है. क्या लेना है, 10 का हाफ. तो देखें 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 5. ठीक है, अब क्या करना है, ये 5 जो आ गया ना, इसका आपने स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करना है. टेक द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड देन ऐड इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड. कंप्लीटिंग स्केयर है ना, तो इसका स्केयर, इसका पहले हाफ लेना है फिर उसका स्केयर दोनों साइडों पे ऐड कर देना है. देन ऐड 5 का स्केयर ऑन बोथ साइड. बहुत आसान स्टेप है. सबसे पहले आपने जो एक्स का साथ नहीं है, जो अलग से कॉफिशेंट है उसको अलग से लिख देना है, यानी कांस्टेंट जो है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है. ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए वहां पे, वो नंबर लिखना है आपने. फिर आपने जो x का वेरिएबल, यानी x वेरिएबल का जो कॉफिशेंट है यानी 10, उसका हाफ लेना है. क्या करना है, हाफ. हाफ लेने के बाद उस हाफ का स्केयर दोनों साइडों पे ऐड करना है. सो नाउ ऐड, हम उसका हाफ का स्केयर ऐड करते हैं. तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 5 का स्केयर, इधर भी ऐड किया और इधर 3 प्लस 5 का स्केयर. सही, आप देखें ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, साथ में माइनस 2ab. तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, एक्स माइनस 5 होल स्केयर. किसका फार्मूला, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, यानी ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है ना. तो ये क्या हो गया, एक स्केयर कंप्लीट हो गया ना. इट मींस दैट ये जो हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड कर रहे थे ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व होता है. तो देखिए 3 प्लस 5 का स्केयर अगर हम करें तो 3 आ जाएगा, साथ में 5 का स्केयर 25. 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 बन जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे, यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक एक और दफा रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक द कॉन्स्टेंट ऑन द नेक्स्ट सेकेंड साइड. उस साइड पे चाहे इसका साइन प्लस होता है माइनस होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है. फिर आपने एक्स का जो वेरिएबल है उसका हाफ लेके उसके स्केयर को दोनों, पहले हाफ लेना है जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेना है और दोनों साइड्स पे ऐड करना है. ठीक, जब आप ऐड करेंगे आपके पास ए माइनस बी या ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला बनेगा, डेफिनेटली बनेगा. वो आप करके भी देखेंगे तो बन जाएगा. यानी देखें ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 5, 2 5 सा 10, माइनस 10 बन रहा है. ठीक है, तो ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला बन गया. और इस साइड पे जब ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये पहले ही कोई नंबर होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर आएगा और वो आप लिख दोगे. अब आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. वी विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. अब हम स्क्वायर को ख़त्म करें बिकॉज अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अच्छा बच्चों, ये बात भी याद रखिएगा कि कुछ इक्वेशन होती हैं जो कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व होती हैं आसानी से, बिकॉज फैक्टराइजेशन एक आसान मेथड है, 2-4 स्टेप्स में वो कंप्लीट हो जाता है. बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसके फैक्टर्स बन ही नहीं रहे होते किसी तरह से भी.
तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर उसको कंप्लीटिंग स्केल मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। बट ये भी बात याद रखिएगा कि हर क्वेश्चन भी कंप्लीटिंग स्केल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकेगा, वही वाली हो सकेंगे जो कि जिनका कंप्लीट स्केल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा अभी देखें, एक्स माइनस वाई होल स्केयर आ गया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 28 आ गया, तो अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा स्केयर अंडर रूट के साथ, तो पीछे बच जाएगा एक्स माइनस फाइव और 28 के आप क्या करोगे, फैक्टर्स बना लोगे। 28 के फैक्टर्स अगर बनाए तो ये आ जाएगा 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 2 सेवन ज़ा 14 और 7 वन ज़ा 2 का स्केयर और 7, तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट में, यह आ जाएगा x माइनस फाइव। सो x माइनस फाइव इज इक्वल टू मैं लूँगी 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट कर दूंगी। आप देखें x माइनस फाइव इज इक्वल टू 2 का स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा बिकॉज 7 के ऊपर स्केयर नहीं था और ना ही वो कैंसिल आउट हुआ, तो 2 अंडर रूट 7 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 अंडर रूट 7 प्लस 5 ये आ जाएगी आपके पास एक्स की वैल्यू। और ये बात याद रखिएगा प्लस माइनस आएगा इसके साथ। ठीक है, क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जी मैम।